Hi friends, welcome back to my channel. Today we are discussing about basic relay knowledge. चलिए आप लोगों के साथ स्टार्ट करते हैं कि रिले का फर्स्ट आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे रिले टाइप्स एंड नेक्स्ट डिस्कस करेंगे रिले का कौन सा स्टाइल एंड डिस्क्रिप्शन कॉन्टैक्ट डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट करेंगे अरेंजमेंट एंड तीसरा में करेंगे एप्लीकेशन एंड कहाँ पे यूज़ किया जाता है एंड लास्ट में करेंगे कहाँ पे बेसिकली यूज़ किया जाता है और रिले को. नेक्स्ट रिले का जो कॉन्टैक्ट है रिले बेस को दिखाएंगे. हर पर्टिकुलर रिले के लिए रिले बेस होल रहता है, अलग अलग होल रहता है, ये आप लोगों को दिखाएंगे. देखिए फास्ट Q1 रिले है, क्यू टाइप न्यूट्रल रिले है, जो है 8F8B, 8 फ्रंट कॉन्टैक्टर अवेलेबल एंड 8 बैक कॉन्टैक्टर अवेलेबल एट देयर Q1A1 रिले एंड 12F4BB रिले है, जो है न्यूट्रल लाइन रिले. Q1 के लिए 12F4B एंड 8F8B रिले रहता है, यह नॉन आरई एरिया में यूज किया जाता है एंड आरई एरिया में Q1A1 रिले यूज किया जाता है. देखिए Q1A1 AC मीन DC न्यूट्रल रिले, जो है 12F4B 8F8B एंड 8F4B अवेलेबल रहता है फॉर एक्सटर्नल सर्किट इन आरई एरिया. आरई एरिया में Q1A1 रिले यूज किया जाता है. उसके बाद रहता है QL1 क्यू टाइप लैच रिले, ये एक्चुअली पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए लैच रिले यूज किया जाता है. लैच रिले इसलिए बोला जाता है वो रिले कुछ टाइम के लिए वो रिले लैच रहता है, मतलब अगर कुछ पिकअप कंडीशन में रहेगा तो पिकअप में ही लैच रहेगा, इसलिए लैच रिले बोला जाता है. ये पॉइंट को कंट्रोल करने के लिए ये लैच रिले यूज किया जाता है. QJ1 क्यू टाइप टाइमर रिले, कुछ सर्किट में अगर कुछ टाइम डिले जरूरत होता है तो टाइमर रिले यूज किया जाता है, उसका कॉन्टैक्ट है 12F1B एवं QBCA क्यू टाइप बेस्ट रिले विथ AC मीनेस्ट, ये हैवी ड्यूटी रिले, ये पॉइंट मशीन को कभी कभी पॉइंट मशीन में यूज किया जाता है, सीमेंस पॉइंट मशीन में, सीमेंस ग्रुप रिले, एक्चुअली हैवी ड्यूटी रिले पॉइंट मशीन में यूज किया जाता है. QTA2 क्यू टाइप ट्रैक AC मीनेस्ट रिले है, ये ट्रैक सर्किट में ये रिले QTA2 रिले यूज किया जाता है. ठीक है, QSPA1 क्यू टाइप स्लो टू पिकअप AC मीनेस्ट रिले है, ये एक्चुअली आरई एरिया में यूज किया जाता है, रिप्लेसमेंट रिले हिसाब से ये यूज किया जाता है. अगर मान लीजिए कहीं से एक सप्लाई आ रहा है, उस सप्लाई कुछ सेकंड के लिए डिस्टर्ब अगर हो जाएगा तो एक QSPA1 का रिले का ऊपर कुछ इफेक्ट नहीं आएगा, इसके लिए QSPA1 रिले कुछ कुछ फंक्शन का जगह में QSPA1 रिले यूज किया जाता है. ठीक है, ये आरई एरिया में यूज होता है. QECXS1 ये लैम्प प्रूविंग रिले है, जैसे कि ECR रिले जो है, ये है ECR रिले, 4F4B कॉन्टैक्ट है, ऑन एस्पेक्ट लैम्प, अगर सिग्नल जलेगा तो ECR रिले पिकअप कंडीशन में रहेगा. जब वो लोड आएगा रिले के ऊपर कुछ लोड आएगा तभी UCR रिले पिकअप होगा. ठीक है, देखिए यहीं पे रिले बेस जो है, रिले बेस में 4 कॉलम रहता है, 8 यहीं पे कॉन्टैक्ट रहता है. ठीक है, एंड यहीं पे 4 आर्मेचर कॉन्टैक्ट रहता है, R1, R2, R3, R4. ठीक है, यहीं पे देखिए अलग अलग रिले के लिए Q1A1 QNA1 के लिए वो रिले बेस में अलग अलग होल रहता है फॉर पर्टिकुलर रिले. Q1A1 के लिए अलग होल रहता है, Q1A1 के लिए अलग होल रहता है, QSPA1 के लिए अलग होल रहता है, वो आइडेंटिफाई करने के लिए. देखिए 8F8B का जो रिले है, यहीं पे देखिए ये जो रिले का जो
बेस पिन कांटेक्ट है, पिन कांटेक्ट यहीं पे आपको दिखाया है, वही है, यही पिन है। देखिए यहीं पे 8F8 भी है, यहीं पे 8 फ्रंट कांटेक्ट है, ए बोले तो आर्मेचर कांटेक्ट है, यहीं पे 8 बैक कांटेक्ट है, यहीं पे 12 फ्रंट कांटेक्ट है। देखिए दोनों नीचे, देखिए लास्ट लास्ट 4 है बैक कांटेक्ट दोनों साइड में, 12x4 भी है एंड 6x6 भी आर अवेलेबल। देखिए 3 फ्रंट कांटेक्ट, यहीं पे 6 फ्रंट कांटेक्ट, इस तरफ 4 है एंड अनदर साइड 2, सेम लेफ्ट साइड 4 है एंड राइट साइड 4 है। 4A4B का ऐसे डिजाइन रहता है रिले बेस पिन में। एंड देखिए रिले का जो साइड व्यू है, रिले रिले का व्हाइट कलर का जो है ये आर्मेचर, रिले का जो R1R2 में सप्लाई आता है वो आर्मी व्हाइट कलर का जो है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। जब मैग्नेट हो जाता है तब वो रिले को एनर्जाइज करता है, तब रिले पिकअप होता है। जब पिकअप हो जाता है उसका जो फ्रंट कॉन्टैक्ट है वो ऑन ऑन कंडीशन में चला जाएगा एंड उसका जो ड्रॉप कॉन्टैक्ट है वो ऑफ कंडीशन में चला जाएगा। अगर फ्रंट कॉन्टैक्ट में कुछ भी बाजर, अगर कुछ बाजर लगा के रखेगा तो फ्रंट कॉन्टैक्ट का वो बाजर ऑन हो जाएगा एंड ड्रॉप कॉन्टैक्ट का जो बाजर रहेगा और कुछ इंडिकेशन देगा तो, अगर LED लगा के रखेगा तो ड्रॉप कॉन्टैक्ट में वो LED बंद हो जाएगा। जब रिले पिकअप हो जाएगा तब वो बाजर ऑन हो जाएगा एंड LED बंद हो जाएगा। अगर फिर से रिले डी एनर्जाइज्ड हो जाएगा तो LED ऑन हो जाएगा, उसके साथ साथ बाजर बंद हो जाएगा, ऐसे है। देखिए और एक आप लोगों को एक सिंपल रिले देख के एक डिजाइन दिखाता हूँ। यहीं पे देखिए बेसिकली दो टाइप का रिले है, दो टाइप का रिले है एंड यहीं पे एक आउटपुट रिले को पिकअप करा रहा है। ये दो रिले का कंडीशन का हिसाब से, फर्स्ट कंडीशन दोनों रिले अगर ड्रॉप रहेगा तो क्या रहेगा, क्या होगा। दोनों रिले अगर ड्रॉप रहेगा, ट्रिपल ए एंड डबल बी रिले दोनों रिले अगर ड्रॉप रहेगा तो XXX जो रिले है R1R2 में जो सप्लाई जा रहा है वहीं पे उसी कंडीशन में रिले पिकअप रहेगा। अगर दोनों रिले का अंदर कोई भी एक रिले, मतलब XXX रिले अगर पिकअप है एंड BB रिले ड्रॉप है तो उसी कंडीशन में XXX रिले ड्रॉप रहेगा। देखिए XXX रिले पिकअप है एंड BB रिले ड्रॉप है, पूरा उल्टा उल्टा है। एक्चुअली ये है ड्रॉप कॉन्टैक्ट एंड BB रिले का फ्रंट कॉन्टैक्ट है, मतलब XXX रिले पिकअप है एंड BB रिले ड्रॉप है तो उसी कंडीशन में XXX रिले ड्रॉप रहेगा। अगर XXX रिले ड्रॉप है एंड BB रिले पिकअप है उसी कंडीशन में XXX रिले पिकअप रहेगा। एंड और एक चौथा कंडीशन जो है, दोनों रिले अगर पिकअप में रहेगा तो उसी कंडीशन में भी XXX रिले पिकअप में रहेगा। देखिए यहीं पे नीचे तरफ जो भी है वो है ड्रॉप कॉन्टैक्ट एंड ऊपर तरफ जो भी है, जैसे कि BB रिले का जो कॉन्टैक्ट है ये है फ्रंट कॉन्टैक्ट एंड XXX रिले का जो कॉन्टैक्ट है ये है ड्रॉप कॉन्टैक्ट। एंड यहीं पे जो कॉन्टैक्ट है ये जो है ये रिले आर्मेचर कॉन्टैक्ट, यहीं पे R1 R2 एंड अनदर साइड इज R1। यहीं पे देखिए ये रिले को पिकअप होने के लिए, सप्लाई मिलने के लिए एक फ्यूज कटिंग दिया गया है जो कि सेफ्टी पर्पस के लिए यूज किया गया है, ठीक है। एंड इतना था आज वीडियो, थैंक यू।